जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 12 त्रिभुज आयत वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 6 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 7। चैप्टर बारह का लेक्चर सात। क्या नाम है चैप्टर नंबर 12 का? ध्यान से देखिए, त्रिभुज आयत वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी दोस्तों मैंने पहले से ही बता रखा है कि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आप सभी भाई बंधु के पेपर में 2 नंबर से लगाकर 4 नंबर तक का पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और गंभीरता के साथ देखिएगा, ठीक दोस्तों? दोस्तों ध्यान से देखिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है मैंने लगभग आपको प्रोवाइड करा दिया है। कुछ दोस्तों जो बचा है वो आप सभी भाई बंधुओं को कल की क्लास और कुछ आगे क्लासों में धीरे धीरे प्रोवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप सभी भाई बंधु अब बिल्कुल अंतिम पावधान पर है, यानी कि आप सभी भाई बंधुओं का सिलेबस समाप्त होने वाला है, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 पढ़ लीजिए, इसके बाद चैप्टर नंबर 13 बहुत ही आसान है, उसमें बहुत कम प्रश्न कराने हैं, क्योंकि उसको मैंने लगभग चैप्टर नंबर 12 में ही कवर कर लिया है, ठीक दोस्तों? इसलिए यह चैप्टर बिल्कुल मान के चलिए कि यह चैप्टर, इसके बाद एक चैप्टर और, तो आपका सिलेबस पूरा समाप्त ही समझिए, ठीक है? तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़े से और चैप्टर देख लीजिए, थोड़े से का यही चैप्टर, इसके बाद एक चैप्टर और देख लीजिए, आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा और बस आपके पास अब प्रैक्टिस करने को रह जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक को मैंने विधवा से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया, और यदि आपने ईमानदारी के साथ पढ़ा भी होगा और पढ़ा भी है मुझे उम्मीद है, तो दोस्तों आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा और आपसे अब प्रश्न लग जाते होंगे पहले की अपेक्षा। यदि ऐसा हो रहा है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बताइएगा कि हाँ आपको पहले की अपेक्षा अब इस समय मैथ आसान लग रही कि नहीं लग रही, आपको विश्वास हुआ कि नहीं कि मैं अब अपने प्रश्न स्वयं सॉल्व कर लूंगा, अब मुझे मैथ से डर नहीं लगता है, मजबूती के साथ मैं अपना पेपर दे पाऊंगा, यदि आपने ईमानदारी से अभी तक पढ़ा है और सीखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी भाई बंधुओं को आयत से संबंधित प्रश्न कुछ और रह गए थे, जो कल की क्लास में मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, उससे संबंधित कुछ प्रश्न और हैं, जो नया टॉपिक है दोस्तों आपको आयत जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको और सभी सीखने की आवश्यकता है, तो दोस्तों उन प्रश्नों को आज की क्लास में देखेंगे। अभी तक आप सभी भाई बंधुओं को लेक्चर नंबर 6 तक टोटल 27 प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किए जा चुके हैं, यानी कि दोस्तों आज की क्लास में कौन सा प्रश्न होगा, कहां से स्टार्ट होंगे? 28 नंबर से।
यहां से 28 नंबर। ठीक दोस्तों, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, डीएलएथ फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस मैंने अभी तक प्रोवाइड कराया है, आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस सीरियल वाइज देखने को मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएथ फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो आप सभी भाई बंधुओं को वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आसानी से आप सभी भाई बंधु वहां से भी सभी वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करना भी जरूरी है। वैसे तो यहां से पर डे आपकी क्लासेस शाम 5 बजे यहां से प्रोवाइड की जा रही, फिर भी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो एग्जैक्ट टाइम पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। यदि आपको याद नहीं रहा तो वहां से क्या नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी भाई बंधुओं को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई सूचना देनी होती दोस्तों तो मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूं, तो वहां से भी आपको क्या नई नई जानकारी सीखने को मिलेंगी। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास का दोस्तों प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है। किसी आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का 3 गुना है, का 3 गुना है। आगे आपसे कहता है भैया, इसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, इसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है किसी आयत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा का 3 गुना है। तो छोटी भुजा कहने का मतलब क्या, चौड़ाई होगी ना, उस इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, मान लेते हैं, माना आयत की छोटी भुजा, तो दोस्तों आपको पता आयत में दो ही तो भुजा होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई, तो लंबाई जो होती है बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है, इसलिए छोटी भुजा यानी क्या होगी, चौड़ाई, इसलिए बी मान लेते हैं, बराबर बी। ठीक है, बराबर क्या मान लिया, बी मान लिया। आगे कहता है विकर्ण, तो मान लेते हैं आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण डायगोनल होता है इसलिए दोस्तों इसको डी से मान लेते हैं। अब दोस्तों प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहता है वो कर लेते हैं, प्रश्नानुसार आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण दोस्तों मैं क्या माना, डी, किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का 3 गुना है, उसकी छोटी भुजा कितनी, बी, किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का 3 गुना, इसलिए छोटी भुजा में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या दोनों आपस में बराबर हो जाए। ध्यान समझिए, कहा क्या है, किसी आयत का विकर्ण जो डी उसकी छोटी भुजा का 3 गुना है, विकर्ण 3 गुना, लेकिन मल्टीप्लाई किसको करेंगे, भुजा से, क्योंकि बीच में हमें बराबर लगाना, यदि हम
तीन गुना था ही विकर्ण, उसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, तीन तीन नौ गुना हो जाएगा। तो क्या इनके बीच में बराबर लगा पाएंगे? नहीं, ये बराबर हो ही नहीं सकते, इसलिए क्या है, इनके बीच बराबर लगाने के लिए इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका तीन गुना था, जब इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। और दोस्तों डी का मतलब क्या, मैंने पहले लिखा आयत का विकर्ण डी है, तो आयत का विकर्ण का मतलब फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट, कल की क्लास में मैंने बताया था, शुरुआत में जब सिखाया था तब भी होता था, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही तो होता, आयत का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता कि नहीं होता, बराबर थ्री बी। अब दोस्तों यहां से रूट हटाना है तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, बराबर थ्री बी का होल हाफ स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों, तो यहां से देखिए, आप कल की क्लास में भी बताया था क्या, जैसे रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, टू होता है, इसी प्रकार यदि रूट एक्स करें इंटू रूट एक्स करें तो एक्स होता है, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया कि कैसे ये होता है, ठीक दोस्तों, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये आप पहले से जानते हैं, तो दोस्तों इसी प्रकार क्या, रूट के अंदर एल प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको दो बार लिखना है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोस्तों ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और यहां दोस्तों तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना नौ हो जाएगा, और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाइए, क्या बी स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर 9b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों आप इधर देख लीजिए, दोस्तों आप क्या ध्यान से देखिए, l स्क्वायर बराबर 9b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो कितना आ जाएगा 8b स्क्वायर, ठीक है, आपको क्या चाहिए था, कहा था इसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या l बटे b चाहिए, तो l स्क्वायर बटे b स्क्वायर लिख सकते हैं, जो चीज गुणे में बटे में जाती, इसलिए क्या बराबर 8 होगा कि नहीं, और यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर 8b स्क्वायर पुनः हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करें, यहां से इसका वर्गमूल ले लें, क्योंकि यहां से रूट हटाना है, इसको l अपॉन b का होल हाफ स्क्वायर बराबर कितना ले सकते हैं 8, तो l अपॉन b इज इक्वल टू अंडर रूट 8 हो जाएगा, भाई इधर का इसको हटाया तो उधर रूट से लग गया, और अंडर रूट 8 का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा, 2 × 2 × 2 भाई 2 × 2 = 4 × 8, तो रूट के अंदर 2 का जोड़ा बनेगा तो दो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा रूट में, दो ही तो बचेगा, यानी कि दोस्तों एल अपॉन बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 2√2, एल अपॉन बी इज इक्वल टू कितना 2√2, ये दोस्तों हमारा एल अपॉन बी का मान आ गया, और यही तो अनुपात है, या कह ले दोस्तों क्या क्या पूछा, तो इसकी भुजाओं का अनुपात, तो क्या लिखेंगे, आता इसकी किसकी, आयत, अतः आयत की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या, L अनुपात B, L क्या हमारी लंबाई है और B क्या है चौड़ाई, कितना 2√2 अनुपात 1, ये बात समझ में आई कि नहीं, मैंने बहुत स्लोली स्लोली बनाया बताया जिससे आप इस बात को समझ सकें, क्या L अनुपात B कितना आया 2√2 अनुपात 1 आया जाके, ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे, ये अंश में इसके नीचे 1 मान सकते ना भाई, 2√2/1 यहां लिख सकते ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, हर में 1 मान ले इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए कितना आ गया L अनुपात B इक्वल टू 2√2/1 आया। यदि आप मानना चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं आयत की क्या लंबाई बराबर L, यहां जहां माना है आयत का विकर्ण इतना है, आयत का विकर्ण इतना, आयत की छोटी भुजा यानी कि क्या चौड़ाई इतनी है, वहीं आप लिख सकते हैं आयत की लंबाई बराबर L। तो दोस्तों इस प्रोसेस से लगाएंगे तो हमारी हमें क्या इनकी भुजाओं का अनुपात पता चल गया। चलिए दोस्तों फटाफट लगा लीजिए, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर
प्रश्न दोस्तों 29 की, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों अगला आपको देखने को मिलेगा। कहता है किसी आयताकार पार की लंबाई, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 200 मीटर व 180 मीटर 180 मीटर है। आगे भैया कहता है इस पार्क, इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, इस पार्क के बाहर से इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, इस प्रश्न को देखिएगा, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। आगे दोस्तों कहता है 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है या रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत ही दमदार है, क्षेत्रफल बताइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्या इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यही चैप्टर आपको सेम सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है, और पैटर्न सेम है दोस्तों, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि आपको इस साल भी काम आएगा और अगले साल भी काम आने वाला है। ध्यान से दोस्तों देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ध्यान से कह रहा है किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 200 मीटर है व 180 मीटर है, ठीक, इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों हमें ज्ञात करना। ध्यान से दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो कहा उसको बना लेते हैं, दोस्तों ये पार्क हो गया, मान लेते इसका नाम हमारा ए बी सी और कौन सा डी हो गया, ठीक है। क्या कहा, एक किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 200 मीटर व 180 मीटर है, तो दोस्तों इसकी लंबाई जो है मान लेते हैं हमारी है, मान क्या दे ही रखा 200 मीटर, ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से लगाकर यहां तक दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही चित्र में समझ जाइएगा, फिर कैसा भी प्रश्न ऐसा मिलेगा फटाक से लगा लेंगे 200 मीटर। उसके बाद कह रहा है वह चौड़ाई कितनी है 180 मीटर, तो दोस्तों क्या बीसी हमारा 180 हो गया, वो आपको पता है क्या आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है,
इसलिए यदि ये 200 मीटर तो ये भी 200 मीटर होगा, या 180 मीटर तो ये भी 180 मीटर होता। फिर आगे आपसे कहा गया है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आगे आपसे कहा गया है इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता, इस पार्क के चारों ओर यानी कि बाहर बाहर, तो इस पार्क के चारों दोस्तों ध्यान से देखिए, इस पार्क के चारों रास्ता बना लेते हैं, ध्यान से देखो ये, देखो ध्यान से ठीक है, ये देखो ठीक, ये है दोस्तों, मैं इसके चारों ओर मैंने क्या रास्ता बना दिया, कितना 5 मीटर चौड़ा, इसका नाम देते हैं दोस्तों पी क्यू आर और एस, ठीक। आप ध्यान से दोस्तों देखिए, कहा 5 मीटर चारों रास्ता बनाएगा, यानी दोस्तों यहां पर हमारा ये 5 मीटर होगा, होगा कि नहीं 5 मीटर, ये हमारा 5 मीटर हो गया, इधर भी 5 मीटर होगा, होगा कि नहीं, और दोस्तों इस साइड में भी हमारा 5 मीटर होगा, कहां यहां पर भी दोस्तों हमारा 5 मीटर होगा, तो दोस्तों यहां पे मैं इसको अंदर लिख देता हूं जिससे आपको स्पष्ट चित्र दिख जाए, यहां पर भी कितना होगा 5 मीटर, ठीक है, ये कितना होगा 200 मीटर, 200 मीटर, ध्यान से देखो ठीक है, 200 मीटर होगा। और दोस्तों ये भी मैं आपको अंदर ही दिखा दे रहा हूं, 180 है ना, ये दोस्तों हमारा कितना हो गया 180 मीटर, कितना होगा 180 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये ठीक, अभी कितना हो गया हमारा, ये इधर भी 5 मीटर का रास्ता हो गया हमारा। मैं एक चित्र में आपको सारी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि अगला प्रश्न आपको मिले तो फटाफट आप लगा ले, यहां भी 5 होगा, यहां भी 5। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या क्या इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। पहला तो रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, हमें क्षेत्रफल किसको चाहिए, किसका चाहिए, ध्यान से देखिएगा, जो मैं ये ब्लैक कलर से कर रहा हूं, ये डिजाइन को दोस्तों जो मैं कर रहा हूं ये वाली, इस डिजाइन का दोस्तों हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यदि दोस्तों दोनों आयत है क्या, ए बी सी डी है, बी हमारा आयत है और पी क्यू आर एस हमारा ये भी आयत है, तो दोस्तों क्या ए बी सी डी आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और दोस्तों आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, जो बड़ा वाला आयत कौन सा, पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल में से ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लें, यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल में से यदि आप इतना ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बचेगा तो रास्ते का ही क्षेत्रफल, बचेगा कि नहीं बचेगा। दोस्तों यहां से एक बात और देखिए, इसकी ये भुजा कितनी होगी, आर क्यू और पी क्यू कैसे निकालेंगे, दोस्तों देखिए 200 मीटर तो हमारी ये भुजा थी, इधर 5 मीटर बढ़ा और इधर 5 मीटर बढ़ा, कितने मीटर बढ़ गया, दोनों साइड में यदि मिलाएं टोटल तो कितना 10 मीटर होगा कि नहीं भाई, इधर 5 मीटर और इधर 5 मीटर, तो 5 प्लस 5 10 मीटर हो गया और 200 मीटर हमारे पास ऑलरेडी से था, तो कितना 210 मीटर, यानी कि जो नए आयत की जो लंबाई हमारी दोस्तों कितनी हो गई, 210 मीटर ना, 210 ये 210 मीटर हो गया कि नहीं। आगे दोस्तों देखिए, अब इसी प्रकार इधर देख लीजिए, इधर 180 मीटर ऑलरेडी से हमारे पास था, 5 मीटर उधर बढ़ा, 5 मीटर इधर बढ़ा, कितना होगा 10 मीटर बढ़ गया ना, तो 180 में 10 जोड़ेंगे कितना 190, यानी कि इधर दो हमारा जो आर क्यू या क्यू आर कितना होगा दोस्तों 190 मीटर हो गया, ठीक, क्लियर होगा। अब दोस्तों आप पेपर में भी चित्र बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे,
बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे दोस्तों, जिससे कि आपको थ्योरी कम लिखनी पड़े। वैसे आपको अच्छी तरीके से नहीं बनाएंगे तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर आयत, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, या दोस्तों आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल रास्ते सहित, ठीक है, रास्ते सहित जो हमारा कौन सा क्या था मैदान पार्क, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, यहां या तो आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल लिख लीजिए या रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं आयत का तो लंबाई गुणे चौड़ाई निकालते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी दोस्तों 210 है, इंटू चौड़ाई दोस्तों कितनी 190, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों कितना होगा ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 19 हंसी ला जाके एक और 19 2 38 एक 39 और कितने 1 2 0 है, कितना इतना मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आ गया 39,900 क्या वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर क्या आयत का, जिसमें रास्ते सहित आयत का जो क्षेत्रफल वो आ गया, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल आ गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए आयत, आयत ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता, लंबाई गुणे चौड़ाई होता क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई कितनी 200 और चौड़ाई कितनी 180, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना 18 2 36 और कितना 3 0 1 2 3 36,000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ चुका, किसका आंसर आने का क्षेत्रफल आ चुका है इसका ए बी सी डी का और पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, पी क्यू आर एस आयत पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल में से आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल घटा देंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा आयत, ठीक है, अब क्या चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल ना, तो लिखोगे रास्ते का क्षेत्रफल, ये तो पूछा था रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्लियर। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना 39,900 निकाला था, इसमें से क्या करेंगे दोस्तों 36,000 घटा देंगे, तो दोस्तों कितना आएगा ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 का 0 है, 0 से 0 0, यहां कितना बचेगा 9 बचेगा, यहां कितना 9 में से 6 गया, कितना 9 में से 6 गया 3 और 3 में से 3 गया कितना 0, तो कितना 3,900 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो क्या लिखोगे, अतः रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 3,900 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, 3,900 वर्ग मीटर दोस्तों हमारा क्या आंसर आ चुका। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैंने भले आपको लग रहा सर बहुत काफी समय ले लिया, दोस्तों मैंने हर टॉपिक को हर बात को बहुत ही आसानी से बताने का प्रयास किया जिससे सारे डाउट इसी प्रश्न में दूर हो जाएं। चलिए दोस्तों लगा लीजिए फटाफट, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 की बात करते हैं। कहता है किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई 25 मीटर व चौड़ाई 18 मीटर है, कितनी 18 मीटर। इस पार्क के चारों ओर 1.8 इस पार्क के चारों ओर
2.5 कर लीजिए। इस पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। चलिए दोस्तों मैं इस प्रश्न को और सॉल्व कर रहा हूं, आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं इसी में करने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों देखिए इसी से चित्र में आपको बना रहा हूं, कह रहा किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई 25 मीटर व 18 मीटर है। तो ये दोस्तों ये हमारी कितनी हो गई, ये 25 मीटर हो गई, और ये दोस्तों इधर हमारी कितनी हो जाएगी, ये 18 मीटर तो दे ही रखा है। फिर कह रहा इसके चारों ओर, क्या कह रहा इस पार्क के चारों ओर बाहर से 2.5 मीटर का रास्ता बनाया गया, तो यहां कितना हो गया, आप इसको लगाइए मैं चित्र बना दे रहा हूं, ठीक है 2.5 का ये रास्ता होगा इधर भी और 2.5 यहां भी, ठीक है, और 2.5 यहां पर भी और ये 2.5 यहां पर भी, ठीक ये 2.5 लिखा दोस्तों, दिख रहा होगा ना 2.5। और दोस्तों आप ध्यान से देखिए ये 25 से 18 हो गया, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 5 का इधर बढ़ा 5 का उधर बढ़ा जाके, और ये कितना हमारा 18 था, 2.5 हो गया और 18 हमारे पास ऑलरेडी से कितना हो गया 23 हो गया ना, तो यहाँ कितना हो गया 23 मीटर हो गया। आगे दोस्तों यहाँ से देखिए इधर कितना 2.5 इधर बढ़ा 2.5 उधर बढ़ा, कितना 5 बढ़ गया, तो 25 और 5 कितना हो गया 30 मीटर हो गया कि नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब लगा लीजिए फटाफट, हो जाएगा दोस्तों कि नहीं हो जाएगा। चलिए तो मुझे उम्मीद है आप मेरे चित्र बना दिया है इसका, मुझे उम्मीद आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए कुछ चर नंबर दोस्तों देखते हैं, 31 कहता है, ये भी दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यदि किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 235 मीटर व 190 मीटर है, 235 मीटर हुआ 190 मीटर है, कह रहा इस पार्क के चारों ओर बाहर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। इस प्रश्न को भी आप सभी भाई बंधु कमेंट बॉक्स में लगाकर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों, सेम इसी पैटर्न पर इसका चित्र नहीं बना रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 232, थोड़ा सा पैटर्न दोस्तों इस बार चेंज है, कहता है किसी आयता का पार्क की लंबाई व चौड़ाई 190 मीटर व 165 मीटर है, कितना 190 मीटर वाह 165 मीटर है, 165 मीटर, कह रहा इस पार्क के चारों ओर अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, इस पार्क के चारों ओर अंदर से, जहां बाहर था वहां अंदर लिख दीजिए, अंदर से 5 मीटर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो बताइए कि तो बताइए 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते पर स्क्वायर की दर से रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च कितने रुपए होगा,
बिछाने का खर्च कितने रुपए होगा पे होगा। ऐसा प्रश्न दोस्तों जो जितने प्रश्न मैंने कराए हैं उसमें भी कह सकता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा इस बार क्या कह रहा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 190 मीटर व 165 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। क्या कहेगा, इस बार पार्क के अंदर से। तो इस बार दोस्तों जो हम आयत मान लेंगे बाहर से क्या पी क्यू आर एस दोस्तों आयत मान लेते हैं और कह रहा है कितना 190 और कितना 165 मीटर। तो दोस्तों ये मान लेते हैं यहां पर कितनी हमारा 190 मीटर है और इधर दोस्तों कितना हमारा 165 मीटर। ठीक कह रहा है, फिर कह रहा है इस पार्क के चारों ओर अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्या इस पार्क के चारों ओर अंदर से यानी कि अंदर की ओर चलना है, कितना 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। ये दोस्तों हमारा क्या 5 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया। दोस्तों आगे क्या देखिए गया, तो दोस्तों ये कितनी हमारी जो अंदर से हमारा जो आयत बन जाएगा उसकी भुजा कितनी हो जाएगी। क्या क्या 190 मीटर यहां पे था या लेडी से और 5 मीटर इधर छोटा हुआ, ये 5 मीटर है, 5 मीटर इधर छोटा हुआ जाके और क्या हुआ 5 मीटर दोस्तों हमारा इधर से छोटा हुआ, कितना मीटर छोटा हो गया 10 मीटर छोटा हो गया। यानी कि दोस्तों इसकी भुजा भाई कितनी बची जाके 180 मीटर बची कि नहीं 180 मीटर। और दोस्तों ध्यान से देखिए 5 मीटर इधर छोटा हुआ जाके अंदर और 5 मीटर इधर छोटा मीटर हुआ जाके तो कितना 10 मीटर छोटा हो गया ना और इधर कितना 165 था तो यहां भुजा कितनी 155 बचेगी कि नहीं भाई 65 था 10 छोटा हो गया तो 155 बचा कि नहीं बचा। तो दोस्तों कह रहा है तो बताइए 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे कि रास्ते पर कंक्रीट बिछाना है या रास्ते पर खड़ंजा लगवाना है या क्या उस पर डामा डलवाना है गिट्टी डलवानी, तब दोस्तों क्या करेंगे, जब रास्ते का पहले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जैसे पूरा प्रोसेस क्या ऐसे कर लेते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो क्षेत्रफल आएगा उसको क्या कह रहा है 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर जब पर एक मीटर स्क्वायर मतलब एक मीटर पर दोस्तों एक मीटर स्क्वायर पर जब कंक्रीट बिछेगी तब हमें 25 रुपए देने होंगे और हमारा क्षेत्र किसमें आता है मीटर स्क्वायर में ही तो आता है। तो जितना हमारा मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आएगा उसको क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे क्या निकाल लेते हैं दोस्तों पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दोस्तों कितना होगा आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना, तो दोस्तों वही प्रोसेस है हमारा, ठीक है कितना हो गया दोस्तों ए इसको रख देते हैं 190 है लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी 165, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 19 बचे 95 हंसी लगा के कितना 9, ठीक है और 19 छक्का 19 बचे 95 19 छक्का दोस्तों कितना होता 114 और 114 और 9 कितना होगा 9 4 13 के 3 और हंसी लगा के दोस्तों कितना 1 कितना 2 12 यानी कि कितना 123 वाला 12 हासिल हो गया और कितना 19 और कितना 12 19 और 12 9 और 2 1 9 2 11 1 2 3 कितना 31 हो गया 31 35 और क्या 0 था। ये दोस्तों हमारा आया जाके इतना ध्यान से आके देखिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा ये समझ पाएंगे नहीं दोस्तों। इसी प्रकार अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, अंदर आयत कौन सा ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए कितना दोस्तों है एक देखिए 180 लंबाई कितनी 180 और गुड़े चौड़ाई दोस्तों कितनी 155 मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 पंचे 90 अच्छा एक जीरो ये भी था ये भी लिख लेते 18 पंचे 90 हंसी लगा के 9 और 18 पंचे 99 हंसी लगा के कितना 9 और 18 एकम 18 और 9 कितना 27 900 मीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा अब यहां 27
अब कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल क्या आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयत पी क्यू आर एस तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस आयत ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो इसमें से दोस्तों घटा लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास, पी क्यू आर एस कितना 31 350 माइनस कितना 27 900 घटाइए दोस्तों कितना बचेगा, तो दोस्तों जीरो से जीरो का जीरो, यहां पांच में से जीरो गया पांच बचेगा ना, और यहां दोस्तों कितना 13 और 13 में से नौ गया चार बचा जाके, यहां दोस्तों कितना जाएगा 10 ना, और 10 में से सात गया 3 34 और यहां तो एक बचा, यानी कि 3450 मीटर स्क्वायर आया जाके, यानी कि दोस्तों रास्ते का जो क्षेत्रफल हमारा आया जाके कितना 3450। तो आपसे पूछा था क्या, तो बताइए 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च, तो आप लिखिएगा इसके नीचे रास्ते पर क्या लिखना, रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च, चलिए मैं लिख दे रहा हूं रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च, बिछाने का खर्च बराबर, ये लाइन किसके नीचे जाएगी दोस्तों, इसके नीचे जाएगी, कितना हो जाएगा 25 गुणे क्या करिए 25, एक मीटर पे इतना खर्च हो रहा है, आया कितना 3450, तो 3450 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा 25 गुणे जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, 25 पंचे 125 से चला जाएगा 12 और 25 चक्कू कितना 100 और 12 112 हाँ से ला जाएगा 11 और 25 तिया 75 और 11 कितना हो गया 75 और 11 86 यानी कि 86,250 रुपये आ गया, यानी कि उस रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च 86,250 रुपये, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, लिख लीजिए दोस्तों फटाफट। क्या रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च कितना 86,250 रुपये हमारा आ चुका है, तो मुझे उम्मीद है आप इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कर लेंगे ना दोस्तों, आसान है कि नहीं आसान है, क्योंकि यहां पे या थोड़ा यहां पर और चेंज करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, एक मीटर स्क्वायर पर कंक्रीट बिछाने का खर्च बराबर 25 है, क्या एक मीटर स्क्वायर पर कंक्रीट बिछाने का खर्च बराबर 25 रुपए, इसीलिए कितना 3450 मीटर स्क्वायर पर कंक्रीट बिछाने का खर्च बराबर कितना 25 गुणे 3450 या 3450 गुणे 25, इस भाषा को जो मैंने दोबारा रिपीट किया आप उसको भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आपको इसको भी लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न लगा लेंगे, और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर क्या चित्र बनाने में बहुत डिफिकल्ट समस्या आती है कि क्या उसकी लंबाई का बाहर क्या अंदर, वहां समस्या आती है, दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों आज आपका आयत का टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं से, कल की क्लास में आपको वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।